एल्विस यादव, आज के टाइम पर ऐसा नाम जिसको हर एक बंदा जानता है। बच्चा बच्चा एल्विस यादव के बारे में जान रहा है, बच्चे बूढ़े जवान सभी एल्विस यादव के बारे में जान रहे हैं कि एल्विस यादव कौन है, कैसे पॉपुलर हुआ है और लोग तो उनको अपना फेवरेट बनाने लगे हैं। तो 10% ही ऐसे लोग होंगे सोशल मीडिया पर जो एल्विस यादव के बारे में नहीं जानते, 90% लोग जान चुके हैं एल्विस यादव कौन है। जो 10% बच रहे हैं जो एल्विस यादव के बारे में नहीं जानते, तो उनको आज मैं बता दूंगा कि एल्विस यादव कौन है। तो दोस्तों, एल्विस यादव एक भारतीय यूट्यूबर है। जी हाँ, एल्विस यादव एक भारतीय यूट्यूबर है जिन्होंने अपना करियर 2016 से स्टार्ट किया था कॉमेडी वीडियो बनाकर। इन्होंने 2016 से चैनल अपना स्टार्ट किया और कंटेंट इतना ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं, इतना ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं कि 2016 में इन्होंने 1,00,000 सब्सक्राइबर्स करके सिल्वर प्ले बटन जीत लिया। 2018 में इन्होंने जीता है गोल्ड प्ले बटन 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे करके। और अगर बात करें 2023 में इन्होंने 1,00,00,000 सब्सक्राइबर्स करके डायमंड प्ले बटन जीत लिया। मतलब इतनी कम जर्नी में इतनी ज़्यादा यूट्यूब प्ले बटन के अवार्ड जीतना बहुत ही मज़ेदार बात है। इतना ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाते हैं तभी के लिए। और फिलहाल के लिए जो अभी हाल ही में ट्रेंड चल रहा है एल्विस यादव का, इतना ज़्यादा पॉपुलर जो हुए हैं वो है बिग बॉस 2। बिग बॉस 2 में जैसे ही एंट्री हुई इन्होंने धमाल मचा दिया काफ़ी ज़्यादा, और काफ़ी ज़्यादा इनकी फ़ैन फॉलोइंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, चाहे इंस्टाग्राम चाहे यूट्यूब पर काफ़ी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग इनकी इंक्रीज़ हो रही है। हर एक बच्चे की जुबान पर नाम है एल्विस यादव। अगर पूछा जाए बिग बॉस में कौन जीत रहा है, एल्विस यादव। किसके यूट्यूब चैनल देखते हो, एल्विस यादव। किसका इंस्टाग्राम आप फॉलो कर रहे हो, एल्विस यादव। मतलब हर जगह एल्विस यादव पूरे सोशल मीडिया पर तबाही मचा दिए, सिस्टम को कर दिया है बिल्कुल हैंग। जी दोस्तों, एल्विस यादव बिग बॉस 2 OTT प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर चल रहा है फिलहाल के लिए। ये टीवी वाला भी बिग बॉस ने OTT प्लेटफॉर्म पर चल रहा है, इसमें धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। फुकरा इंसान और भी कई सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बिग बॉस OTT 2 में परफॉर्म कर रहे हैं फिलहाल के लिए। मैं अगर बात करूँ इनके बैकग्राउंड की, तो एल्विस यादव का जो जन्म हुआ था वो 14 सितंबर 1997 को हरियाणा में हुआ था। अगर बात करें इनके पेरेंट्स की, तो इनके फादर का नाम मिस्टर राम अवतार सिंह यादव और मदर का नाम मिसेस सुषमा यादव है। अगर बात करें इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम इनके सिद्धार्थ है। बचपन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और काफ़ी ज़्यादा शैतान भी थे। अगर हम बात करें इस वक्त जो पॉपुलैरिटी इनकी आई बिग बॉस की वजह से आई, बहुत से लोग चाह रहे हैं कि एल्विस यादव ही जीते। तो बहुत से ऐसे ओपिनियन हो रहे हैं, बहुत से लोग गेस कर रहे हैं कि कौन जीतेगा और कौन नहीं जीतेगा। तो हम लोग भी कई सारी ऐसी ओपिनियन या फिर गेस करते रहते हैं कि भाई ये बंदा जीतेगा या फिर ये बंदा नहीं जीतेगा। हम लोग गूगल ओपिनियन वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर आप चाह रहे हो एल्विस यादव जीते, या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे कि एल्विस यादव नहीं जीतेगा, भैया ओपिनियन आपकी अपनी है। यहाँ पर मैं आपको ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ प्रोबो, जिसमें आपको ओपिनियन का जवाब देना है। जैसे कि एक क्वेश्चन होगा, एल्विस यादव बिग बॉस OTT 2 में जीत रहे हैं या फिर नहीं जीत रहे, यस और नो का ऑप्शन आएगा। अगर आप चाह रहे हो आपका गैस है कि जीत रहे हैं तो यस पे क्लिक कर देना, और अगर आप चाह रहे हो इन्वेस्ट करना कुछ तो इन्वेस्ट भी कर देते हो। अगर आप चाह रहे हो नो, नहीं जीत रहे तो नो पे क्लिक कर देना है। अब जो भी आपका सही निकलेगा, जैसे आपने क्लिक किया था एल्विस यादव बिग बॉस OTT 2 में जीत रहे हैं, यस पे क्लिक किया था, अगर वो जीत रहे हैं तो आपने जो इन्वेस्ट किया था वो तो आपको मिलेगा, साथ ही में प्रॉफिट भी मिलेगा। अगर आपने नो किया था वो सही निकलता है तो वो होगा। तो इस तरह से ओपिनियन में अगर आप पार्टिसिपेट करके अर्न करना चाहते हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दे दूंगा प्रोबो की। आपको डाउनलोड करना है और वहाँ पर जाके सर्च में एल्विस यादव लिखना है, तुरंत आपकी ओपिनियन आ जाएगी। ओपिनियन पे क्लिक करके आपको अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर लेना है। तो कमेंट में ज़रूर बताना है एल्विस यादव का आप सपोर्ट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, और एल्विस यादव जीतेंगे या फिर बिग बॉस OTT 2 प्लेटफॉर्म में कौन जीतेगा, आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय श्री श्याम।